नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज तारीख है 7 जुलाई और अभी समय हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। तो बेसिकली आज मैं जो शेयर देने वाला हूँ आपको, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि शेयर एक पैनी शेयर है और मल्टी बैगर बनने को तैयार बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैंने गूगल पे 3i इन्फोटेक लिमिटेड का शेयर ओपन कर रखा है। 3i इन्फोटेक से आप समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, ये IT सेक्टर की कंपनी है, ये एक IT सर्विस और कंसल्टेंसी वर्क करती है। कंपनी वेबसाइट रनिंग नहीं हो रही इस टाइम पर, ओपन नहीं हो पा रही, बट कंपनी जिस तरह से वर्किंग है डेफिनेटली इसमें बाय करके होल्ड करके पेशेंस के साथ रखिए। ये आने वाले 1-1.5 साल में मल्टी वेगा पूरा बनने होते हुए बैठा हुआ शेयर। पता नहीं इसका अप ट्रेंड कितना जाए, ये 100 रुपये भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो आज की डेट में ये ना तो माइनस में गया ना ही ये अप में गया, ये एवरेज में यानी कि मॉडम में ही बंद हो जाता है शेयर। यानी कि आज जो मार्केट बंद हुई ये ना तो अप में है ना डाउन में। तो आज ही ओपन होता 10 रुपये, हाई मारता 10 रुपये 10 पैसे, लो मारता 9 रुपये 60 पैसे और ये 1600 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेट है इसका 8.7 पैसे और ये प्रीवियस यानी कि 52 हाई है इसका 11 रुपये 55 पैसे और 52 लो है 2 रुपये 20 पैसे। तो आप समझ सकते हैं 2 रुपये से स्टार्ट हुई कहानी, आज ये 10 रुपये पर ट्रेड कर रही है। आइडिया वोडाफोन में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो वो तो देखिए वो भी एक टेलीकॉम सर्विस का सेक्टर है, बट मेरे हिसाब से आइडिया वोडाफोन सेट का आप 3i इन्फोटेक में इन्वेस्ट करिए क्योंकि ये अप ग्रोइंग कंपनी है, ये भागने को तैयार बैठी हुई है, हर बार प्रॉफिट बना रही है कंपनी, वर्किंग में है। कंपनी के विजन काफ़ी अच्छे हैं यार, कंपनी का विजन समझो, कंपनी वर्किंग क्या कर रही है, कंपनी के सेक्टर में आप देख सकते हैं कि जैसे कोविड आया है जब से IT सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है। यानी कि सारा आप देख सकते हैं सारा टेलीकॉम IT पे चला गया, वर्किंग सारा जूम मीटिंग XYZ सारा IT पे हो गया रिलेटेड। और जो IT सेक्टर में काम कर रही है कंपनी उनकी चांदी हो गई है, उनका सोना हो चुकी है वो कंपनियाँ, क्योंकि उनके पास इस टाइम पर काम जो आ रहा है बल्क या ह्यूज के रूप में उनके पास काम आ रहा है, इतना सारा काम आ रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे टाइम पे। तो आप भी समझ सकते हैं अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो अब जो कंपनी का ट्रेंड चलेगा IT फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो आने वाले समय में सबसे अच्छे बूम करेंगे। तो 3i इन्फोटेक का मैं टिकट टाइप के साइड पर आ गया हूँ। 3i इन्फोटेक को देखिए, ये देखिए मैंने बताया था IT टेलीकॉम कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी। तो ये देखिए कंपनी का PE रेट 4 रुपये बता रहा था मैं, ठीक है। तो कंपनी का अभी तो एनालाइजर किसने कुछ बताया नहीं है, बट ये कंपनी का PE रेट भी सही है, कर्जा मुक्त है कंपनी, हल्का इक्विटी पे कर्जा है, वो छोटा मोटा चलता कर्जा तो कंपनी के साथ। अब इसका हम अर्निंग्स पे देख लेते हैं, अर्निंग्स कैसी रही है इसकी। तो बेसिकली इसकी अर्निंग देखें, नुकसान से कैसे प्रॉफिट में आती है कंपनी 2012 से लेके। देखिए पहले ये कर्जे में थी यानी कि माइनस में गई कंपनी माइनस। ये 2017 से, ये देखिए 2017 से इनने छोटा सा प्रॉफिट करा 94 रुपये का, फिर 94 करोड़ का, फिर देखिए 18 में प्रॉफिट, फिर 19 में प्रॉफिट, फिर 20 में प्रॉफिट, फिर 21 में देखिए क्या प्रॉफिट दिया कंपनी ने। तो देखिए कंपनी धीरे धीरे यानी कि पिछले 5 साल से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चल रही है और फ्यूचर में भी अच्छे ग्रो करेगी क्योंकि अब तो सेक्टर ही IT का चालू स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब तो काम ही IT का पसारा हो गया है। तो कंपनी की ग्रोथ डेफिनेटली है और कंपनी क्या देखते हैं भाई, कंपनी का अंदर और क्या व्यू है जिसके अंदर से इन्वेस्ट करना चाहिए और देखते हैं अभी इसके अंदर। तो इसकी होल्डिंग तो है, सारी कंपनियों की होल्डिंग है इसके अंदर, कंपनी का होल्डिंग अच्छी है कंपनी के पास, म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है। तो इसका मैं न्यूज़ पे जाता हूँ, न्यूज़ पे क्या है इसके पास, इसके पास न्यूज़ क्या है, ये देखिए इसने लास्ट वीक 1000 टेक्निकल स्टाफ को बाय हायर किया। देखिए पैंडेमिक में लोगों की नौकरी जा रही है, मगर ये कंपनी जिसने 1000 लोगों को नौकरी दी है, ये क्लियर आउट हो गया कि सबसे ज़्यादा हायरिंग इस कंपनी ने करी है इस साल, इसने 1000 लोगों की हायरिंग करी है। और ये देखिए इसका 1 मंथ पहले ये क्या बोलता है कि भाई मेरा 1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करना है 2030 तक। ये देखिए आने वाले यानी कि इन्हें बता दिया 2030 तक कि क्या इनका टारगेट है कंपनी के मैनेजमेंट का। आप देखिए अचीवमेंट, यानी ओपनली बोलिए कि भाई 2030 तक हम 1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कंपनी की नीयत समझ आ गई। कंपनी ये देखिए डाउन गया था 2020 से, मगर ये क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट दिया इसने,
इसने प्रॉफिट क्वार्टरली किया था दिया था ये देखिए, तो कंपनी की यानी कि देखिए कंपनी भागने को तैयार बैठा हुआ है कंपनी, और कंपनी में आकर यही समय इसमें इन्वेस्ट करके पेशेंस होल्ड करिए, और ये पैनी शेयर है मल्टीबैगर जरूर बनेगा, समझ रहे हो ना, पैनी शेयर है मल्टीबैगर जरूर बनेगा, तो होल्ड के साथ पेशेंस साथ हमें बने रहना है और इसके अंदर इन्वेस्ट करके बने रहना, अपने पैसे को मल्टीबैगर बनाना है। देखो मार्केट में हम आए पैसा मल्टीप्लिकेशन के लिए आए, डुबाने के लिए नहीं आए। तो मैं जो शेयर देता हूँ अभी तक जितनी मैंने वीडियो बनाए सबके मेरे टारगेट अचीव हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे को व्यूज़ मिलेगा सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मेरे को और अच्छे अच्छे आपको टारगेट और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे शेयर दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने इतना एनालाइज़ करता हूँ कि भाई एक एक 5-7 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 4-4 घंटे का एनालाइज़र करना पड़ता पूरा पूरा। अब देखिए ये देखिए 2017 से प्रॉफिट मेकिंग चल रही है कंपनी, यानी कि कंपनी तो भाई नियत साफ है मैंने बता दिया। अब देखिए मैं मनी कंट्रोल की साइट पे आ चुका हूँ, ये देखिए मनी कंट्रोल की साइट पे हमें प्रमोटर अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, और देखिए 88% हमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं, 88% लोग एनालाइजर हमें इन्वेस्टर हमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं, और ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो कंटिन्यू का वर्किंग में। अब देखिए इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है। तो अगर ये कंपनी आपको 9 रुपये से 10 रुपये के बीच में मिलती है, इसमें अपर सर्किट भी लग जाएगा जब मर्जी, अपर सर्किट लगता टूटता, इसमें डेफिनेटली बाय करिए होल्ड करिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, अभी देखिए वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये वीकली चार्ट पे भी इसका ब्रेकआउट बनने को तैयार बैठा हुआ, तो ये देखिए कि अब ट्रेंड की तरफ है। तो बॉस ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर हमें बस बाय करके होल्ड करके बैठ जाना है, ठीक है। 2030 तक का वो अपना टारगेट बता चुके हैं मैनेजमेंट के, हमें क्या अचीव करना है, 1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना 2030 तक। मैं खुद बोल रहा हूँ मेरा इसमें जो अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट बता रहा हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर, इसमें मेरा 15 रुपये का टारगेट है पहला, दूसरा टारगेट मेरा 20 रुपये का है। अगर आप दिवाली तक जाएंगे तो दिवाली तक 50 रुपये का भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट दिखा रही है और पैंडेमिक के चलते चलते कंपनी के काम है, कंपनी के पास कंपनी की अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, मैं वेबसाइट पर दिखाता हूँ कंपनी किस तरह से और डेवलपमेंट कर रही है अपने आप को। देखिए आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं, निफ्टी को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहा है आईटी सेक्टर, आईटी और फार्मा, तो ये आईटी कंपनी है, ये आपके पहुंच में नहीं होगी अभी तक। तो प्लीज़ 3i Infotech को बाय करिए, होल्ड करिए, पेशेंस बने रहिए, तो आपका इसमें पैसा मल्टीबैगर जरूर बनेगा ये शेयर आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।